प्राचीन भारत से जुड़ी गजब की जानकारी जैसे सुनने के बाद आप सोच में पड़ सकते हो। जैसलमेर का किला संसार का एकमात्र ऐसा अनोखा किला है जिसमें शहर की 20% से ज्यादा आबादी ने अपना घर बना लिया। 800 ईसा पूर्व स्थापित तक्षशिला विश्वविद्यालय में 25,000 से अधिक छात्र 60 से अधिक सब्जेक्टों की शिक्षा प्राप्त करते थे। वाराणसी यानी कि बनारस दुनिया का सबसे प्राचीन शहरों में से एक है और ये शहर कंटिन्यू आगे बढ़ने वाला प्राचीन शहर है और इस शहर में 500 ईसा पूर्व के आसपास भगवान बुद्ध आए थे। 5,000 साल पहले जब दुनिया की ज्यादातर सभ्यताएं खानाबदोश जीवन व्यतीत कर रही थी तब भारत की सिंधु घाटी सभ्यता की उन्नत शिखर पर थी। भारत दुनिया का ऐसा देश है जिसने पिछले 1,000 साल में किसी देश पर हमला नहीं किया। दुनिया का पहला ग्रेनाइट मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में बृदेश्वर मंदिर है। इस मंदिर का शिखर ग्रेनाइट के 80 टन के टुकड़ों से बना है और ये भव्य मंदिर राजा चोला के दौरान 5 वर्षों में बनकर तैयार हो गया। भारत में 4 धर्मों का जन्म हुआ है, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म, और जिनका पालन दुनिया की 1/4 आबादी करती है। तिरुपति शहर में बना भगवान विष्णु का मंदिर 10वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था और ये मंदिर विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्थान है। यहाँ रोम और मक्का जैसे स्थलों से भी ज्यादा श्रद्धालु यहाँ हर रोज आते हैं। भारत देश ब्रिटिश हुकूमत से पहले दुनिया का सबसे अमीर देश था। क्रिस्टोफर कोलम्बस भारत की संपन्नता से आकर्षित होकर भारत आने का समुद्री मार्ग खोजने निकला था, परंतु वह गलती से अमेरिका पहुंच गया था। वीडियो अच्छी लगी तो नीचे सब्सक्राइब जरूर करना।